गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इम्पीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे आज का हमारा रोमांचक सफ़र। आज एग्रीकल्चर के रैंडम क्वेश्चन लाया हूँ मैं, जिसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे और बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन हैं, तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। पूरी क्लास जरूर अटेंड करिएगा, बीच बीच में मत करिएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया हो तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लौकी की प्रथम संकर किस्म है। लौकी की प्रथम संकर किस्म है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पूसा समृद्धि, बी है थार समृद्धि, सी है पूसा संदेश और डी है पूसा मेघदूत। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है, लौकी की प्रथम संकर किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है पूसा समृद्धि, बी है थार समृद्धि, सी है पूसा संदेश और डी है पूसा मेघदूत। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, पूसा मेघदूत, बिल्कुल सही जवाब है। लौकी की प्रथम संकर किस्म पूसा मेघदूत को माना जाता है। इस किस्म का विकास 1972 में हुआ था और यह IARI से डेवलप की गई है, IARI से विकसित की गई है। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बार बार जेट ICR BHU में पूछा जाता है, मोस्टली ICR के एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया है, क्योंकि ये ICR से विकसित की गई है, IARI से विकसित की गई है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। और प्रथम संकर किस्म भी है लौकी की और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। तो अब ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है, लौकी की प्रथम संकर किस्म पूसा मेघदूत है, 1972 में विकसित हुई थी और IARI में विकसित हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है। करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मेमोडिसिन, बी है आपका लुपिन, सी है सोलोसेडीन और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है। करेले का वैज्ञानिक नाम होता है मेमोडिका चरंशिया, करेले का वैज्ञानिक नाम होता है मेमोडिका चरंशिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसके वैज्ञानिक नाम से कि इसका जो तत्व है वो कौन सा हो सकता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है, मेमोडिका चरंशिया। मेमोडिका चरंशिया इसका वैज्ञानिक नाम है और इसमें मेमोडिसिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण करेले में कड़वाहट होती है। करेले में मेमोडिसिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, करेले में कड़वाहट होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर दिया गया है लुपिन। अब देखिए एक सब्जी और होती है जिसको हम बोलते हैं तुरई, तुरई बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है लूफा सिलेंट्रिका। क्या होता है, तुरई का वैज्ञानिक नाम लूफा सिलेंट्रिका होता है और उसके अंदर भी एक तत्व पाया जाता है जिसको हम लुपिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लुपिन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि करेले में कड़वाहट पूछ ले तो मेमोडिसिन, और अगर आपको तुरई के अंदर पूछ ले तो उसका जवाब देना है आपको लुपिन, लुपिन नामक तत्व पाया जाता है। करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है, मेमोडिसिन के कारण होती है, और तुरई में तत्व किस तत्व के कारण होती है, तुरई में होती है लुपिन के कारण। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है, करण थ्री किसकी किस्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेट में पूछा गया है दो तीन बार, जेट में पीछे दो तीन बार पूछा गया है, करण थ्री किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास जो, बी है गेहूं, सी है मक्का और डी है धान। करण थ्री किसकी किस्म है, करण थ्री किसकी किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। करण थ्री किसकी किस्म है, जो की है, गेहूं की है, मक्का की है या धान की है। जिसने इसका जवाब दिया है जो, बिल्कुल सही जवाब है, जो यानी कि होर्डियम वल्गेर, जो यानी कि होर्डियम वल्गेर, और जो की एक किस्म है जिसका नाम है करण थ्री और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, बार बार पूछी जाती है। ध्यान रखना करण थ्री किस्म किसकी है, जो की है, गेहूं मत कर देना वहां पर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर बेबी किस्म शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा होती है। अब इसको ध्यान से समझना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर बेबी किस्म किसकी है। तो शुगर बेबी किस्म किसकी है, शुगर बेबी किस्म
तरबूज की है, शुगर बेबी किस्म किसकी है, तरबूज की है। और यहाँ पर पूछा गया है कि शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, तो शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा ऑप्शन नंबर ए है 13%, बी है 20%, सी है 24% और डी है 16%। जवाब देना है शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा ए बी सी या डी, 13%, 20%, 24% या 26%। शुगर बेबी किस्म में शर्करा की मात्रा 13%, 20%, 24% या 26%, क्या होगा इसका जवाब बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 13%, बिल्कुल सही जवाब है। शुगर बेबी किस्म जो होती है, शुगर बेबी किस्म में 13% शर्करा पाई जाती है। कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है, 13% शर्करा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरबूज के लिए सही कथन है, तरबूज के लिए सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 95% जल होता है, बी है आपका 7% कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.2% प्रोटीन और डी है उपरोक्त सभी। तरबूज के लिए सही कथन है, तरबूज के लिए सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 95% जल, बी है 7% कार्बोहाइड्रेट, सी है 0.2% प्रोटीन और डी है उपरोक्त सभी। तरबूज के लिए सही कथन जिसका जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। तरबूज के लिए सही कथन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सबसे पहले तो 95% यानी कि 95% तक इसमें जल पाया जाता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो होती है 7%। तो मोस्टली ये दो ही पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछा जाता है या तो जल की मात्रा या फिर पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कि तरबूज में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। तो तरबूज में कार्बोहाइड्रेट 7% होता है। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन वगैरह की मात्रा कितनी होती है, तो वैसे तो ये सवाल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्टली आपको कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तरबूज के लिए सही कथन में 95% जल, 7% कार्बोहाइड्रेट और 0.2% प्रोटीन। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटाश का सबसे अच्छा स्रोत है, पोटाश, पोटाश एक उर्वरक होता है, आप सब लोग जानते हो फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पोटाश का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन नंबर ए है आपका बोन मील, बी है रॉक फॉस्फेट, सी है बेसिक स्लग और डी है उपरोक्त सभी। पोटाश का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, बोन मील, रॉक फॉस्फेट, बेसिक स्लग या उपरोक्त सभी, क्या होगा इसका जवाब। पोटाश का सबसे अच्छा स्रोत बोन मील, रॉक फॉस्फेट, बेसिक स्लग या उपरोक्त सभी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, उनका गलत जवाब है, जी बिल्कुल उनका गलत जवाब है। पोटाश का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, यहाँ पर बात हो रही है सबसे अच्छा स्रोत, तो सबसे अच्छा स्रोत होगा रॉक फॉस्फेट। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा, रॉक फॉस्फेट होगा। बोन मील और बेसिक स्लग में भी पाई जाती है लेकिन कुछ मात्रा में पाई जाती है, इतनी अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है पोटाश जितना रॉक फॉस्फेट में पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोटाश का सबसे अच्छा स्रोत, तो आपको जवाब देना है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आधार बीज के टैग का रंग होता है, आधार बीज के टैग का रंग होता है। अब इसको समझना है आपको, आधार बीज क्या है। देखिए जब हम बीज उत्पादन का कार्य करते हैं किसी भी प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा या किसी भी राज्य फार्म के द्वारा, जब बीज प्रमाणीकरण का काम किया जाता है तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले मूल केंद्रक बीज होता है जिसको मात्र बीज के नाम से भी जानते हैं, फिर मूल केंद्रक बीज के बाद में होता है प्रजनक बीज, फिर प्रजनक बीज के बाद में आधार बीज, आधार बीज के बाद में फिर प्रमाणित बीज, जो अंत में सबसे शुद्ध निकल के आता है वो होता है प्रमाणित बीज। तो ये चार प्रकार की, वैसे तो कैटेगरी पाँच होती है, एक पंजीकृत बीज भी होता है लेकिन पंजीकृत बीज का चलन हमारे भारत में नहीं है। तो ये जो बीज होते हैं इन बीजों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बैग में भरा जाता है और उस बैग में अलग अलग रंग के टैग लगाए जाते हैं। आप सब लोगों को पता होगा, पीछे पढ़ा होगा आपने, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब क्या होता है कि जब भी ये आधार बीज या जो जितने भी बीज होते हैं तो इनको भरा जाता है, तो इनमें एक विशेष प्रकार का टैग लगाया जाता है और उस टैग से आप पहचान सकते हो कि इसके अंदर का बीज है वो कौन सा बीज है, आधार बीज है, प्रमाणित बीज है या पंजीकृत बीज है या फिर मात्र बीज है। तो इसी प्रकार से जैसे आधार बीज है तो उस पर कौन सा टैग लगा होता है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी, बी है पीला, सी है सफ़ेद और डी है नीला। जवाब देना है आपको, जो आधार बीज होगा उस पर किस प्रकार का टैग लगा होगा, किस प्रकार का टैग लगाया जाएगा आधार बीज पर, बैंगनी, पीला, सफ़ेद या नीला। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला आधार बीज पर बैंगनी, बिल्कुल उनका जवाब गलत है। और जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला सफ़ेद, बिल्कुल सही जवाब, आधार बीज पर हमेशा सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है, आधार बीज पर हमेशा सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि
प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगाया जाता है, तो फिर आपको जवाब देना है नीला। कौन सा जवाब देना है? नीला। और कभी कभी आजकल ये भी पूछ लिया जाता है कि पंजीकृत बीज पर किस प्रकार का टैग होता है, तो जो पंजीकृत बीज होता है उस पर पीला, सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है, सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं। ये आधार बीज वाला और जो प्रमाणित बीज वाला क्वेश्चन है, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आधार बीज का सफ़ेद और प्रमाणित बीज का नीला। ध्यान रखना, इन दोनों को तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत बीज के टैग का रंग कौन सा होता है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया पंजीकृत बीज के थैले के टैग का रंग कौन सा होता है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी, बी है पीला, सी है सफ़ेद, डी है नीला। ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब लाइव चैट बॉक्स में दे दीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, पीला या सुनहरा पीला, बिल्कुल सही जवाब है, पंजीकृत बीज के टैग का रंग सुनहरा पीला होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग में लेते हैं। बीजों की आनुवंशिक शुद्धता या आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग में लेते हैं, बीजों की आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ग्रो आउट टेस्ट, बी है आपके TGU टेस्ट, सी है आपके पास में सीड जर्मिनेशन टेस्ट, और डी है आपके पास में उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, बीजों की आनुवंशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट, TZ टेस्ट, सीड जर्मिनेशन टेस्ट या उपरोक्त सभी। वैसे तो देखिए इसका आंसर जो होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप टेट्राजोलियम टेस्ट को ओके कर देना वहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार का ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, नहीं आएगा, लेकिन बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया है आपको। TZ टेस्ट को ओके करना है। TZ टेस्ट क्या करता है, बीजों की जीवन क्षमता या आनुवंशिक क्षमता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषुप्त अवस्था को भंग करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सुषुप्त अवस्था। अब आपको समझना है कि सुषुप्त अवस्था होती क्या है। देखिए सुषुप्त अवस्था का मतलब पौधे के उस वानस्पतिक भाग से है जिसमें अंकुरण की क्षमता तो होती है पर वो वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी अंकुरित नहीं होता। उसको अंकुरित करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है। जैसे अब सबसे पहले मैंने बोला कि बीज का वानस्पतिक भाग, तो वानस्पतिक भाग बीज सॉरी पौधे का वानस्पतिक भाग, तो पौधे का वानस्पतिक भाग उसकी जड़ भी हो सकती है, उसका तना भी हो सकता है, या फिर उसका बीज भी हो सकता है। तो मोस्टली जो सुषुप्त अवस्था होती है वो बीजों में होती है, और अन्य वानस्पतिक भाग जैसे कलम हो गई या उसका राइजोम हो गया या उसका सकर्स हो गया, उनमें बहुत कम होता है, वो सुषुप्त अवस्था में नहीं जाते हैं। सुषुप्त अवस्था में मेन तो उनके बीज जाते हैं। अब देखिए सुषुप्त अवस्था का मैंने मतलब समझाया कि वातावरण की सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या हो रहा है, बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है, और बीज जीवित भी है लेकिन फिर भी बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस अवस्था को सुषुप्त अवस्था कहते हैं, और उस सुषुप्त अवस्था को भंग करने के लिए या तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। अब वो उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला है खुरचना। खुरचना का मतलब यह होता है, कोई भी बीज आप ले लो, कोई सा भी बीज हो चाहे, उस बीज के ऊपर एक हार्ड लेयर पाई जाती है, एक कवरिंग मटेरियल पाया जाता है, एक हार्ड लेयर पाई जाती है। वो हार्ड लेयर उस बीज के अंदर का जो भ्रूण होता है उसको सुरक्षित रखती है, उसको सुरक्षित बनाए रखती है। जैसे आपने देखा होगा बेर की जो गुठली होती है, बेर की गुठली के ऊपर जो हार्ड लेयर होती है वो क्या करती है, वो बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बेर की गुठली इतनी हार्ड होती है, बेर को उगाने के लिए क्या किया जाता है, उसकी जो गुठली होती है या बेर को क्या किया जाता है, उबाला जाता है उनके बीजों को उबाला जाता है, और उनको जो बीज का जो कवर होता है उनको सॉफ्ट बनाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसको आसानी होती है उगने के अंदर। तो वो विधि क्या कहलाती है, खुरचना, मतलब उसके बीज के ऊपर का जो मटेरियल होता है उसको सॉफ्ट बना देना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है निम्न तापमान। निम्न तापमान मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा कम तापमान कर देना, कम तापमान पर रखना, जिससे कम तापमान होने के कारण क्या हो जाता है, वो जो बीज का जो कवरिंग मटेरियल होता है वो थोड़ा सख्त से मुलायम हो जाता है, और अंकुरण में सहायता मिलती है। फिर उसके बाद में रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार में विभिन्न प्रकार के केमिकल या विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, उन रसायनों को की सहायता से बीजों को उपचारित किया जाता है, जिससे उनका जो हार्ड कवरिंग मटेरियल होता है, जो बाहर का आवरण होता है, वो मुलायम हो जाता है, और मुलायम होने के बाद में उनको बीजों के भ्रूण को आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है, बीज को अंकुरित होने में मदद करता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सुसुप्तावस्था से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको मिल गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण भार क्या है। अब परीक्षण भार ऑप्शन नंबर ए है आपको 1000 दानों के भार, बी है 100 दानों का भार, सी है 10 दानों का भार या डी है 10000 दानों का भार। जवाब देना है परीक्षण भार। अब देखिए परीक्षण भार को पहले आप जवाब दीजिए फिर इसके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा मैं आपको। ए बी सी या डी, परीक्षण भार किसे कहते हैं, 1000 दानों के भार को, 100 दानों के भार को, 10 दानों के भार को या 10000 दानों के भार को, परीक्षण भार किसे कहते हैं। जिसने इसका जवाब दिया है परीक्षण भार का, जिसने जवाब दिया है 1000 दानों का भार, बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षण भार को हम हिंदी में परीक्षण भार कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परीक्षण भार तो लिखता नहीं है, वो टेस्ट वेट लिख देता है हिंदी में सीधा और पूछता है कि टेस्ट वेट में कितने दानों का वजन लिया जाता है। तो टेस्ट वेट में हमेशा 1000 दानों का वजन लिया जाता है। कितने दानों का, 1000 दानों का वजन लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ पैदा करने वाला। अब कन्फ्यूज़ कैसे पैदा करता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो होता है परीक्षण भार जिसको टेस्ट वेट बोलते हैं, एक इसी का भाई होता है जिसको बोलते हैं बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। देखिए सबसे पहले तो नाम से समझना है कि सीड इंडेक्स मतलब बीज सूचकांक और परीक्षण भार मतलब टेस्ट वेट। अब टेस्ट वेट तो हमेशा 1000 दानों का होगा और जो परीक्षण भार या टेस्ट वेट तो 1000 दानों का होगा और जो बीज सूचकांक है वो हमेशा 100 दानों का होगा। कितने दानों का होगा, 100 दानों का होगा, यानी कि 100 दानों के भार को बीज सूचकांक कहते हैं और 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट के नाम से जाना जाता है। अब ये अलग अलग क्यों हैं, जितने बीज छोटे होंगे या जिन बीजों की साइज छोटी होती है उन छोटी बीजों के साइज़ को हमेशा, छोटी बीजों के साइज़ को हमेशा ही 1000 दानों के भार के आधार पर टेस्ट वेट या परीक्षण भार में गिना जाता है। समझ में आ गया, जो बीज छोटे होते हैं जैसे तिल का बीज हो गया, जैसे सरसों का बीज हो गया या और दूसरे जो बीज हैं उनको हमेशा टेस्ट वेट से इंडिकेट करते हैं, टेस्ट वेट से ही इंडिकेट करते हैं या परीक्षण भार से इंडिकेट करते हैं या 1000 दानों के भार से इंडिकेट करते हैं। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी साइज़ बड़ी होती है, जैसे काबुली चना, जैसे मूंगफली, जैसे मक्का, तो इनको क्या करते हैं, इनके दानों का साइज़ बड़ा होता है तो इनको इंडिकेट करने के लिए 100 दानों के भार को या सीड इंडेक्स को या बीज सूचकांक को उपयोग में लेते हैं। तो जो बड़े साइज़ में बड़े आकार के होंगे उनको इंडिकेट करने के लिए हमेशा बीज सूचकांक या टेस्ट वेट का उपयोग करेंगे, सॉरी बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स का उपयोग करेंगे, और जो छोटे होंगे उनके लिए हमेशा टेस्ट वेट या परीक्षण भार का उपयोग करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। देखो ये जो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन करके, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका बेसिक फंडा है। अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा हमेशा आपको यही कन्फ्यूजन रहेगा कि बीज सूचकांक में 1000 है या बीज सूचकांक में 100 है। अगर ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर आप कन्फ्यूजन आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के जो कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका फंडा क्लियर करना जरूरी है। और यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करता है और वो जहाँ पर गलती की गुंजाइश होती है वो क्वेश्चन वो उठा के देता है आपको एग्जाम में। इसलिए जहाँ पर कन्फ्यूज़ वाले सवाल होते हैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मूल केंद्रक बीज की भौतिक शुद्धता होती है। अब मूल केंद्रक बीज क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, जब हम क्या करते हैं बीजों का बीजों को उगाते हैं या बीजों का गुणन करते हैं या किस्मों का गुणन करते हैं तो अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, जैसे मूल केंद्रक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज। तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है मूल केंद्रक बीज। अब इस मूल केंद्रक बीज का दूसरा नाम भी, इसको हम मातृ बीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मूल केंद्रक बीज को मातृ बीज के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ अगर आपसे पूछ ले कि मातृ बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है, तो मातृ बीज या मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं, तो इन तीनों अलग अलग नाम है वो एक ही चीज़ है, यानी कि न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज या फिर मातृ बीज या मदर सीड भी बोलते हैं इसको, मदर सीड भी इसको बोलते हैं, चार नाम हैं। तो ये चारों के चारों एक ही चीज़ हैं और इनकी भौतिक शुद्धता पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर ए है 75, बी है 92, सी है 98 और डी है 100%। जवाब देना है मूल केंद्रक बीज की भौतिक शुद्धता। फिजिकल इम्प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी पूछ रहा है यहाँ पर।
जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, मूल केंद्रक बीज की भौतिक शुद्धता 100%, बिल्कुल सही जवाब है। मूल केंद्रक बीज की भौतिक शुद्धता होती है 100%। कितनी होती है? 100% होती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले कि प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है, प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है, तो इसका जवाब देना है आपको 98%। कितना देना है? 98%। मूल केंद्रक बीज की भौतिक शुद्धता तो होती है 100%, और प्रमाणित बीज यानी जो सर्टिफाइड सीड होता है जिस पर नीले रंग का टैग लगा होता है और किसानों को उगाने के लिए सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज ही दिया जाता है, उनकी शुद्धता होती है 98%। भौतिक शुद्धता का मतलब भौतिक रूप से जो बीज होता है, पूरा बीज होता है, उसमें 98% बीज होते हैं और 2% उसमें खरपतवारों के बीज और अन्य बीज भी शामिल होते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज के टैग का रंग होता है। क्वेश्चन पूछा गया प्रमाणित बीज के टैग का रंग होता है, तो ये आप सब लोगों को पता है कि प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड जो किसानों को उगाने के लिए जो बीज दिया जाता है उसको प्रमाणित बीज बोलते हैं या सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। अब इनका प्रमाणीकरण करने का काम कौन करता है? तो इनका प्रमाणीकरण करने का काम ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीछे, कि प्रमाणित बीज को या प्रमाणित बीज को प्रमाणीकरण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जवाब देना है आपको, जो प्रमाणीकरण राज्य की या केंद्र की जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होती हैं, सरकारी प्रमाणीकरण संस्थाएं होती हैं, वो इस बीज को प्रमाणित करने का कार्य करती हैं। तो अब प्रमाणित बीज के टैग का रंग कौन सा होगा? इसका टैग का रंग हो जाएगा नीला रंग, ठीक है, नीला रंग हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, और आधार बीज का सफ़ेद। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता होती है, ये अभी सवाल मैंने बताया था आपको पीछे, प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 75%, बी है 92%, सी है 98% और डी है 100%। प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे WAO हो, चाहे जेट हो, चाहे ICAR हो, चाहे BHU हो, चाहे PAT हो, चाहे MPPAT हो, चाहे AIEEA हो, कुछ भी हो, बहुत ही, क्योंकि बीज का तो मेन आधार यही होता है, इसलिए इसको पूछा जाता है। जिसने इसका जवाब दिया 98%, बिल्कुल सही जवाब है। प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 98% होती है। प्रमाणित बीज किसानों को उगाने के लिए दिया जाता है, प्रमाणीकरण संस्थाएं प्रमाणित बीज को प्रमाणीकरण करने का कार्य करती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है। अब देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और पीछे पूछा गया है, और इससे रिलेटेड एक सवाल और भी बताऊंगा आपको, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए आप। क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। बीज परीक्षण यानी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, इंग्लिश में अगर पूछेगा वो आपसे तो वो पूछेगा सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, वो हिंदी में भी लिख सकता है कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जिसने नहीं दिया है कोई बात नहीं। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब जो BHU की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब BHU का एग्जाम होता है, पेपर पूछता है वो, तो पेपर में वो एक ना एक सवाल वाराणसी से जरूर पूछता है, एक ना एक सवाल वाराणसी से वो जरूर से जरूर पूछेगा आपसे, और इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा। इसलिए वाराणसी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जितनी भी किस्में हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको आपको पढ़ना है, वहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन की हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। वाराणसी, अब देखिए केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय ऊन परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो केंद्रीय ऊन परीक्षण प्रयोगशाला का जवाब देना है आपको जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर में केंद्रीय ऊन परीक्षण प्रयोगशाला। ऊन परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, दो सवाल इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ मैं। अगला सवाल है, मानसून किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछा गया है, मानसून किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक, बी है अरबी, सी है लैटिन और डी है इंग्लिश। जवाब देना है आपको, मानसून किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देना है आपको, मानसून किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, अरबी, लैटिन या इंग्लिश। मानसून किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, अरबी, लैटिन या इंग्लिश। क्या होगा इसका जवाब? मानसून किस भाषा का शब्द है, ए, बी, सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बी वाला, अरबी, बिल्कुल सही जवाब है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेट्राजोलियम यानी कि TZ टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट या TZ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बीजों का वजन, बी है बीजों का रंग, सी है बीजों की जीवन क्षमता और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है आपको टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है, जवाब देना है टेट्राजोलियम, मैंने बताया था अभी टेट्राजोलियम परीक्षण क्या है, किसके लिए किया जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये क्वेश्चन आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एमाइड उर्वरक है, निम्न में से कौन सा एक एमाइड उर्वरक है? इसका जवाब दीजिए ए बी सी डी, यूरिया, DAP, सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा इसका जवाब, निम्न में से कौन सा एमाइड उर्वरक है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला यूरिया, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, शाम वाली जो क्लास लगेगी वो बायोलॉजी की क्लास लगेगी, सिस्टम से लगेगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आज नए होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, तो शाम वाली क्लास में आपको आना है। और इस क्लास के ख़त्म होते ही आपको एक क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर देना है। और क्लास को लाइक करना, न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।